नमाज का टाइम हो गया, तो जोहर की नमाज़ पढ़ के फिर चलते हैं और उबर या टैक्सी को देखते हैं, फिर उसके ऊपर जाएंगे। फिर ये चाचा परेशान फिर रहा है, हर एक से पूछ रहा है कि बैग कितना लोड है। इसको मैंने आया पहले भी बताया है कि ये लेके आ सकते हैं, बैगेज अलाउंस और ये वो सारा कि वेट कितना है मेरा यार, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा। अभी ये है जी हरमेंट ट्रेन, ठीक है, इनका जाने का रास्ता, ठीक है, ये गेट है इसका, गेट नंबर 365। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? आप लोगों का एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम हो गया। और सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि थोड़े से सब्सक्राइबर और बढ़ाने हैं हमने, ठीक है जी। तो आज मैं जा रहा हूँ जी मदीना शरीफ, ठीक है, मदीना शरीफ जाएंगे हम ट्रेन से, जो हरमेन हाई स्पीड रेलवे ट्रेन है, ठीक है जी। तो यहाँ से मक्का टू मदीना लगती हैं जी 2 आवर 20 मिनट और 30 मिनट, ठीक है जी, बहुत फास्ट जाती है, ठीक है। और माशाल्लाह जी हमारे मक्का में 4-5 दिन बड़े प्यारे गुजरे हैं, ये मेरे लाइफ के गोल्डन दिन थे, ठीक है जी। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह पाक ने चांस दिया आने के लिए इधर। अच्छा जी, जोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, तो जोहर की नमाज़ पढ़ के फिर चलते हैं और उबर या टैक्सी को देखते हैं, फिर उसके ऊपर जाएंगे। फिर होटल से जो ट्रेन का स्टेशन है वो 10 मिनट की ड्राइव पे है, ठीक है जी, तो अपडेट करते हैं आपको बाद में। अच्छा जी, होटल से हमारा चेकआउट हो गया है, तो अभी हम उबर का वेट करते हैं, तो फिर चलते हैं हम हारमन ट्रेन स्टेशन की तरफ, ठीक है जी। अच्छा जी गाइस, तो अभी हम आ गए हैं जी हरमेन ट्रेन स्टेशन मक्का में, तो यहाँ से ट्रेन जाती है मदीना की तरफ। यार इन्होंने माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा बनाया हुआ है, जैसे एयरपोर्ट नहीं होते वैसे, बड़ा लग्जरी बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है जी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है ट्रेन की टाइमिंग की, हमारी जो है वो 220 है, प्लेटफॉर्म नंबर 10। और ये लोग आ रहे हैं जी इस साइड पे, आप देख सकते हैं ये लोग आ रहे हैं मदीना से, माशाल्लाह उमरा करने जा रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये देखें जी, काफ़ी शॉप्स वगैरह बनाई हुई हैं इधर, कोस्टा कॉफ़ी शॉप भी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी है शॉप्स प्रॉपर। यार इन्होंने ना एक एयरपोर्ट की तरह बनाया हुआ है, जैसे एयरपोर्ट होता है, मैंने सोचा बड़ा कोई छोटा सा नॉर्मल कोई ट्रेन स्टेशन होगा, नहीं यार कमाल है, माशाल्लाह बहुत नाइस बनाया हुआ उन्होंने। ये देखें जी, ये चाचा परेशान फिर रहा है, हर एक से पूछ रहा है कि बैग कितना लोड है। इसको मैंने आया पहले भी बताया है कि ये लेके आ सकते हैं, चाचा बहुत परेशान है। ऐसे ही यार, जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं ना, तो आपको बैगेज अलाउंस और ये वो सारा कि वेट कितना है मेरा यार, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, ये सीन होता है, इट्स हैपन, ठीक है जी। अच्छा जी, फाइंड आउट करते हैं डिपार्चर, इस तरफ कह रहे हैं, चलते हैं इस तरफ। ये टिकट ऑफिस लैंडिंग का साथ ही टिकट ऑफिस है, यहाँ पे टिकट जो आपने ऑन द स्पॉट लेनी हो या प्रिंट निकालना हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें जी स्कैन करके अंदर जाना पड़ेगा दूसरी साइड में, फिर ऊपर जाएंगे वहाँ पे बोर्डिंग शोर्डिंग करा के, सेम प्रोसीजर है इसका, जैसे आप दूसरी कंट्री में जाते हैं सिक्योरिटी चेक होती है, बोर्डिंग वगैरह सारा कुछ सेम प्रोसीजर है, ठीक है जी। मस्जिद का भी साइन दिया हुआ है, मस्जिद भी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से हमको इन होकर दूसरी साइड पे जाना है। और राइट गाइस, तो देखें जी ट्रेन तो फुल पैक मेरे ख्याल से होगी, जैसे ये लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रेन भजन फुल पैक है, ठीक है जी। बोर्डिंग शुरू हो गई है, अभी जा रहे हैं उधर सब लोग, ये देखें जी। और राइट गाइस, तो अभी हम आ गए हैं जी हारमेन ट्रेन के बिल्कुल पास, तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं अपनी कोच, ठीक है जी। ये है जी हारमेन ट्रेन, बहुत फास्ट कहते हैं जी ट्रेन चलती है ये वाली, कोच नंबर 10।
find out. भाई गाइस तो हम ट्रेन के अंदर बैठ गए हैं, ठीक है। ये देखिए सही बनाई हुई है ना यार, कंफर्टेबल है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी हुई है उनको ट्रेन की टाइमिंग की और नेक्स्ट स्टॉप कौन सा होगा, कितने टाइम में पहुँचेगी और इसकी स्पीड क्या है। अच्छा जी, तो ट्रेन चल पड़ी है, ठीक है, बहुत स्पीड से जा रही है। यहाँ देख सकते हैं जी आप इसकी रफ्तार कितनी आ रही है, अप टू 300 किलोमीटर पर आवर चल रही है, ठीक है जी, माशाल्लाह। ये देखिए बहुत फास्ट है, इसके दो स्टॉप हैं जी, एक जद्दा स्टॉप करेगी और बाद में मदीना, ठीक है। ये देखिए बहुत स्पीड से जा रही है, अभी इसका कॉलोनी वाइज का व्यू करते हैं। ये इसका कॉलोनी का दूसरा बॉक्स है, तो ये इसकी इकोनॉमी क्लास की सीटें हैं, ठीक है जी। लेके चलते हैं आपको, कॉफ़ी शॉप है इसके अंदर, वहाँ पे चलते हैं। सीटें इसकी जो है काफ़ी कंफर्टेबल हैं, इकोनॉमी क्लास है ना। तो आगे आ रही है जी कॉफ़ी शॉप, आई थिंक मेरे ख्याल से जो स्टॉप आ गया है वो जद्दा का स्टॉप आ गया, जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, ठीक है। तो ये सामने कॉफ़ी शॉप है, क्या बात है जी, कमाल की कॉफ़ी शॉप बनाई हुई है इन्होंने सामने। ऑलराइट गाइस, तो कॉफ़ी हमने ले ली थी, तो अभी फाइंड आउट करते हैं अपनी सीट कहाँ पे है, बिकॉज मैं भूल गया हूँ। अच्छा ये हमने लिया जी ये हारमन ट्रेन के अंदर से, ये कॉफ़ी और ये केक है चॉकलेट वाला स्लाइस, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम आ गए हैं जी मदीना ट्रेन स्टेशन पे, ठीक है जी। तो बहुत जल्दी ट्रेन आई है यार, लाइक टाइम पे ही आई है जो टाइम था, लेकिन ना लेट हुई है, लेकिन कमाल की सर्विस थी यार, बहुत फास्ट माशाल्लाह, कमाल की सर्विस थी। तो अभी यहाँ से बाहर निकलकर फाइंड आउट करते हैं होटल कैसे जाना है, जो मस्जिद नबी के पास हमने बुक किया हुआ है, तो चेक करते हैं ऊबर पे या टैक्सी जो भी अवेलेबल हुआ उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है जी, अपडेट करते हैं। हमने बुक कर लिया, तो अभी 3-4 मिनट अवे है हमसे, ठीक है जी। अभी यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, जैसे ही आती है तो फिर उस पर जाते हैं, क्योंकि ये जो टैक्सी वाले हैं ये बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, लाइक डबल, ऊबर इससे इनसे ज़्यादा चीप है, तो उस पर जाएंगे जो चीज़ जो चीप की ऑप्शन है, ठीक है जी। तो वेट करते हैं यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो होटल मिल गया, तो आ गए हम अपने रूम में, ठीक है जी। ये इसकी लुक है, गुजारे मुजारे लाया किया बस चलेगा, लेकिन इसका एक फ़ायदा यहाँ पे है कि यहाँ पे 7 मिनट की दूरी पे मस्जिद नबी है, ठीक है। माशाल्लाह मगरब का टाइम हो गया है नमाज़ का भी, ठीक है जी। आप ये देख सकते हैं मस्जिद नबी के मीनार आपको दिख रहे हैं, ठीक है जी। ये अज़ान हो गई है जी माशाल्लाह, ये सब लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये जी मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता है, ठीक है। ये गेट है इसका, गेट नंबर 365, ठीक है जी। ये यहाँ से माशाल्लाह। अच्छा जी, हमने नमाज मगरब की माशाल्लाह अदा कर ली है मस्जिद नबी के अंदर। ये देखे जी खूबसूरत मंजर माशाल्लाह, ठीक है जी। सुबह हमारी यहाँ पे रियाज़ा जन्ना में भी 2 नफल जो बुकिंग की हुई है सुबह 4:30 की, इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है जी। माशाल्लाह जी, अल्लाह के घर गए हैं, उधर भी सुकून आया है, यहाँ
मस्जिद नबी में आए हैं, यहाँ पे भी सुकून है यार, सुकून ही सुकून है माशाल्लाह यार, अल्लाह का करम है यार। ठीक है, ये यहाँ पे भी जमजम वाटर रखा हुआ है इन्होंने माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये देखिए जी मस्जिद नबी के गुंबद, रोज़ मुबारक। ठीक है जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ मैं व्लॉग को एंड करता हूँ, ठीक है। और एंड करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, तो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। ठीक है जी, ओके।